गाइस यार तुम लोगों को पता होगा कि फ्री फायर इंडिया को लॉन्च हुए बहुत टाइम हो चुका है और वो भाई 5 सितंबर 2023 पे आने वाला था, बट अभी तक फ्री फायर के कोई अट्टे पट्टे नहीं है। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना आज हम लोग दोबारा से ट्राई करें कुछ फ्री फायर के गेम्स, तो फिर चलो जल्दी से चलते हैं। तो आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ प्ले स्टोर पे, जो मेरे को सबसे पहला गेम मिला वो था ये वाला। अब ये तुम लोगों में बताऊं ना सीधा सीधा, ये पूरा AI से जनरेटेड लग रहा है भाई। ये देखो क्या मजाक है भाई, ये पूरा का पूरा फोटो कैसा है, ये एकदम फ्री बार तो नहीं लग रहा है, कुछ और ही लग रहा है। और ये क्या बला है भाई, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे गेम है, देखो ये हंट जोन करके एक और गेम दिखा मुझे जिसके 10 मिलियन डाउनलोड्स है भाई। ये वाला गेम तो सही में फ्री बार जैसा लग रहा है भाई, ये वाला मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके तो मैंने इसको, अरे भाई ये क्या गेम है भाई, ये गेम तो बहुत सही लग रहा है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। TJK एक्शन गेम, ये क्या नाम है अजीब सा। ये क्या भाई, अभी शुरू हुआ नहीं, पहले से एडवर्टाइज फेंक के मार दिया मेरे मुंह पे इन लोगों ने भाई। अपन को तो गेम स्टार्ट करना है, गेम स्टार्ट कैसे होगा वैसे, कहां से कहां बटन भाई, स्टार्ट करने का बटन ही नहीं है इधर तो कहीं पे। अच्छा ये वर्ल्ड वाइड, ओके यहाँ पर मैंने वर्ल्ड वाइड पे क्लिक कर दिया। अबे वेट, फ्री फायर के गेम पे BGMI का ऐड क्यों आ रहा है, ये क्या मजाक है यार। तो यहाँ पर जो है ये भाई नॉर्मल अपना मल्टीप्लेयर गेम क्यों नहीं लग रहा मेरे को, तो ये मिशन वाला गेम लग रहा है। जहाँ पर कितने मिशन है टोटल में देखता हूँ, 100 मिशन है यहाँ पर टोटल। एंड अपन को करना क्या है वो गेम के अंदर पता लगेगा, पहले वाले मिशन पे मैंने क्लिक कर दिया है। ओके तो यहाँ पर हमारा गेम शुरू होगा। वेट, अबे भाई ये क्या ग्राफिक्स है भाई, ये गेम तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार। वैसे गन कैसे मारूंगा मैं, वेट भाई क्या मस्त है, तो मस्त गेम लग रहा है ये देखो। अबे तो अपने फ्री फायर वाला है वो शिपयार्ड दिख रहा है मेरे को, ये देखो गाइस शिपयार्ड यार सा नहीं लग रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ऐसे ये ऐसे कार्गो वाले वहाँ पे कंटेनर्स पड़े हुए रहते हैं शिपयार्ड पे और हम लोग यहाँ से लूट करते हैं ऐसे ही। मेरे को पबजी ऐसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा पबजी और फ्री फायर का मिक्सचर लग रहा है भाई। बाकी क्या मस्त चल रहा है, FPP है, करना क्या है, बंदे किधर है, बंदे दिखाओ साले, भूत बना दूंगा। तो यहाँ पर बहुत देर तक ये गेम खेलने के बाद ना मेरे को बंदे कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहते, मेरे को सिर्फ और सिर्फ कंटेनर दिख रहे थे टूटे फूटे इधर से उधर, और बस मैं इधर से उधर टाइम पास कर रहा था। बट बहुत देर के बाद मुझे समझ में आया कि भाई जो बंदे हैं यहाँ पर इस गेम के अंदर वो हम लोगों को इस मैप के अंदर देखने को मिलेंगे। देखो ऊपर वो रेड रेड करके डॉट दिख रहे हैं, वहां पर वो बंदे है। और पता नहीं मैं ऐसे टाइम पास किए जा रहा था भाई, मेरे को सच्ची में पता ही नहीं था कहाँ पर बंदे अवेलेबल है। तो यहाँ पर बहुत देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद फाइनली मुझे बंदे दिख गए, बट ये जो बंदे थे यहाँ पर मेरा स्वागत इन लोगों ने पान पराग की जगह भाई गोलियों से कर दिया। तो भाई मेरे को आगे गुस्सा, मैंने इन बंदों को भाई भगा भगा के मारा बहुत ही गंदी तरीके से, है देखो हेडशॉट मारा सीधा सीधा, नूबड़े साले मेरे को क्या मारेंगे। एंड मैं यहाँ पर बंदे मार ही रहा था, उतनी देर में मेरे साथ अचानक ये हो जाता है, इंस्टाग्राम का ऐड आ गया भाई। ये क्या है यार, ये ऐड उनसे बहुत परेशान हुआ यार, गेम चालू करा नहीं, मजा नहीं आया यार, इतना अच्छा गेम लगा नहीं भाई, मैंने सोचा था मस्त फ्री फायर जैसा होगा। और यहाँ पर मेरे साथ एक नया स्कैम ये हो गया कि भाई वो जो दोनों के दोनों जो गेम मैंने डाउनलोड किए थे ना वो दोनों के दोनों गेम चले नहीं रहते। उसके बाद ना मैंने कुछ और गेम्स डाउनलोड करे, देखो जरा कौन से गेम्स थे। फाइनली ये वाला गेम चल चुका है, और ये गेम ना मेरे को फ्री फायर के कोई एक और लोकेशन की याद दिला रहा है, जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे टावर से मतलब मशरूम से बन रखे। और ये क्या, जैसा कि मैंने ये गेम डाउनलोड कर तो लिया था, बट यहाँ पर ना मुझे एक और चीज पता लगी कि भाई ये जो गेम है ये गेम भी ऑनलाइन गेम नहीं है भाई। जरा टाइम देखो यहाँ पर कितना ज्यादा टाइम दे रखा था इन लोगों ने भाई, दिमाग के अंदर ने 4000 कुछ घंटे भाई, इतना टाइम रुकना पड़ेगा ऑनलाइन गेम खेलने के लिए। जो भी ये टाइमर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा टाइमर कभी पूरा नहीं होने वाला मेरे को नहीं लगता, इसका ऑनलाइन आएगा तो अपन को शायद ऑफलाइन ही खेलना रहेगा। यहाँ पर मैं मेरे बंदों को इनवाइट कर सकता हूँ, बट इनवाइट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई इस स्कैम में, तो अपन को फ्री मोड मतलब ऑफलाइन मोड ही खेलना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम लोग साला वो गंदा सा मजाक देखने के बाद ना सीधा चला गया मैं सीधा हार्ड मोड पे, गेम स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। और देखो यार तुमको पता है मैं कितना प्रो हूँ, और यहाँ पर मेरे गेम स्टार्ट भी हो गया। और जैसे मेरा गेम स्टार्ट हुआ ना भाई, मेरे को ना देख के दिमाग भंड हो गया, क्योंकि सीधा सीधा मेरे में गोलियां पड़ना चालू हो गई थी। मेरे को गोली मार रहा है, अबे रुक जाओ। अबे यार ये तो भाई अभी से गोली मारने लग गए यार। क्या कोई एक को निपटा दिया, ओके यहाँ पर मैंने दो बंदों को निपटा दिया है। और ये हेलीकॉप्टर मेरे पास में क्यों घूम रहा है, इसको भी मैं गोली मार सकता हूँ, पर कुछ भी नहीं हो रहा है हेलीकॉप्टर को मारने से। ओके सो गाइस यहाँ पर हेलीकॉप्टर को मार गिराने की नाकाम कोशिश के बाद मैंने सोचा सामने मुझे दो बंदे और दिख रहे थे, तो उसके बाद ना मैंने उसमें के एक बंदे के ऊपर एम मस्त तरीके से और उसको मस्त तरीके से एक हेडशॉट मारा, और मजा आ गया भाई उसको हेडशॉट मारने के बाद। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, मैं दूसरे बंदे के ऊपर एम कर रहा था, मैंने उसके सामने एक बंदे को मारा, फिर भी उसको कुछ समझ ही नहीं पड़ी भाई। देखो अब इसको जाके मैं पेलने वाला हूं, लेट्स सी देखो जहां पे ये क्या हुआ। जैसे ही मैं इस बंदे के पास गया ना भाई, ये बंदा सीधा मेरे को मारने दौड़ा, ये देखो कितना बेशरम बंदा था। और जैसे मैंने उसको मार दिया मैं जीत गया भाई, बस यही था गेम के अंदर।
यहाँ पर मेरे को एक और गेम मिला है जिसका नाम है बैटल प्राइम मल्टीप्लेयर FPS, पता नहीं कौन कौन सा गेम, बहुत सारे नाम लिख रखे हैं इनने। 4.3 की रेटिंग और 10 मिलियन डाउनलोड्स है, तो मैंने इसको डाउनलोडिंग पे लगा दिया है। अब देखते हैं कि तो जो 2 GB का गेम है भाई, बहुत टाइम लगने वाला है इसको डाउनलोड होने में। और तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताते नहीं हो भाई कौन सा गेम खेलना चाहिए, साले तुम लोग देख के चले आते हो वीडियो, ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। गाइस यहां पर जो हमारा नेक्स्ट गेम है जिसका नाम था प्रोटेक्टर्स, वो डाउनलोड हो चुका है और मैंने इसको स्टार्ट भी कर दिया। और ये गेम भाई दिखने में ना पावर रेंजर जैसा लग रहा है मेरे को, फ्री फायर कम पावर रेंजर ज्यादा लग रहा है भाई। और भाई मस्त लग रहा है यार ये तो, सच्ची में एक सीमेंट है इसके पास। वेट भाई, इसके हाथ में एक सीमेंट है, ये कटाना है और ये कौन सी है भाई, वुड पिकर, पता नहीं कौन कौन सी तगड़ी तगड़ी गन्स इस गेम के अंदर होने वाली है। ओके लेट्स गो, यहाँ पर कुछ तो यार सिनेमेटिक सा चल रहा है। ये कौन लड़की है भाई, क्यूट सी, ओके कमिनो फलाना फलाना, ये सब पढ़ना होता तो फिर क्या बात होती भाई, सीधा गेम खिलाओ यार। ऑटो शूटिंग, हाइब्रिड या मैनुअल शूटिंग, भाई ऑटो शूटिंग कर देता हूँ मैं सिलेक्ट, अभी कोई भी दिमाग लगाएगा ज्यादा। भाई गेम के ग्राफिक्स देखो यार, ये गेम है सीरियसली, क्या मस्त है। लेट्स गो, यहाँ से हम लोग ऐसे मूव करेंगे, ये भी समझ गया मैं। पर इसके FPS थोड़े कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है, सेटिंग वेटिंग में करना पड़ेगा हाई FPS। और वेट, ये क्या भाई, ये तो बेन 10 वाले एलियंस है ना, अच्छा मेरे को इनको मारना है क्या, मैं समझ गया भाई, तो आसान लग रहा है भाई टारगेट है। और ये क्या भाई, फुल फोर्टनाइट वाला सीन लग रहा है, तो अबे ये तो फेंक के भी मार रहा है, नहीं 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 नहीं, बहुत गंदा डैमेज पड़ रहा है मेरे को। लेट्स गो, यहाँ पर मैंने इसको मार दिया भाई, इनका बॉस को मैंने मार दिया है। और ये गेम मेरे को सच्ची में यार बहुत बढ़िया लग रहा है यार, इसके जो ग्राफिक्स है, ये देखो ये पूरा सिंगल प्लेयर, नहीं भाई मैं समझा ये वर्सेस वाला गेम है, ये देखो हमारी टीम में अलग है उधर उनकी टीम में अलग बंदे। सो गाइस यार जहां पर तक मुझे ऐसा लगा कि जो प्रोटेक्टर्स गेम है वो मुझे थोड़ा थोड़ा वेलोरेंट टाइप का ग्राफिक्स दे रहा था देखने में, मतलब वेलोरेंट जैसा दिख रहा था, बाकी खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि मैं इसको इम्यूलेटर पे खेल रहा था, थोड़े से मेरे कंट्रोल्स बिगड़े हुए थे, बाकी भाई गेम प्ले जो था ना वो बहुत ही मस्त था, मजा आया इस गेम को खेलने में। और यहाँ पर ना अपन को कुछ कुछ नई नई एबिलिटीज भी देखने को मिलती है, जैसे अपने फ्री फायर के अंदर कैरेक्टर में एबिलिटीज होती ना, वैसे इसके अंदर भी कुछ स्पेशल मूव्स थे जो कि भाई मजा आ रहा था उनको खेलने में एकदम तड़तड़ी वाली। ये देखो यहाँ पर मैंने मूव्स लगाए तो थे, यहाँ पर ऑरेंज कलर का एक बटन मिल गया था जिसको मैंने दबाया, वैसे भाई धड़ करके बहुत सारी गोलियां निकली और बंदे का काम खत्म वहीं पर, ठीक है। तो ऐसे यार ये गेम मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा लगा, ठीक है मजा बहुत ज्यादा आया। तो यहाँ पर ना इस गेम को खेलने के बाद मैंने स्टार्ट करा एक और दूसरा गेम जो कि भाई मुझे इससे भी थोड़ा अच्छा ही दिखने में लग रहा था, बाकी भाई वो गेम ने थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट करा, बाकी वो था बहुत ही अच्छा गेम, ठीक है। तो यहाँ पर उस गेम को भी देख लो कैसा गेम था वो। यार क्या ये लड़की से जल क्यों गई है, ये एनवीडिया फिजिक्स एक्स पता नहीं क्या क्या लगा रखा है इन लोगों ने, ठीक है। इसके अंदर भी भाई ऑटोमेटिक वाला सीन है, ठीक है भाई ऑटोमेटिक सबसे बेस्ट होता है। और ये मेरे को कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा लग रहा है भाई, फ्री फायर नहीं लग रहा, कॉल ऑफ ड्यूटी लग रहा है भाई इस गेम के अंदर ना, अबे तो पूरा कॉल ऑफ ड्यूटी लग रहा है यार। नहीं भाई ये गेम बहुत तगड़ा लग रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ आई डोंट नो, ठीक है आई डोंट नो। सो गाइस जैसे कि हम लोग ना फ्री फायर के कुछ कॉपीज ढूंढ रहे थे हमारे फोन के अंदर, और उसके ऊपर मेरे को मिल गया भाई कॉल ऑफ ड्यूटी, ठीक है। इसके जो ग्राफिक्स थे वो थोड़े थोड़े पीसी गेम्स लाइक लग रहे थे, बाकी इसका जो कंट्रोल थे वो भी पीसी में चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है इसको फोन पे खेलना अगर तुम लोग खेलो तो। बाकी गेम बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, इसका गेम प्ले भी मजेदार था, ग्राफिक्स तो भाई क्या ही बताओ, ग्राफिक्स तो अब तक के बेस्ट लगे मेरे को, देखो ना कितने रियलिस्टिक ग्राफिक्स थे इसके, और समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बस बंदे मार रहा था भाई, मेरे को तो बंदे मारने में मजा आता है और कुछ भी बोलो। ये देखो बंदा कैसा जंप कर रहा है, अबे तेरी भूतनी के चल निकल। तो ऐसे करके ना मैंने बहुत सारे बंदे मारे इसके अंदर, इसके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज वगैरह तुम जैसे को देखने को नहीं मिली, यहाँ पर कुछ ब्लाइंड करने वाला साइन ऊपर दिख रहा था, पता नहीं उससे क्या होता है मुझे समझ नहीं पड़ा, बस मैं दबा दे रहा था कुछ भी नहीं होता उससे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे बंदे मारे और मजा बहुत ज्यादा लिया, ठीक है। तो यार इसका भी गेम प्ले देखो, और अगर तुम लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करे बगैर तो भाई जाना ही मत, ठीक है। कमेंट अगर तुमने नहीं करा तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, तो वो पाप करो ही मत, कमेंट जरूर से कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।